Hello everyone, today we will solve from question number 21 of exercise 15B class 9th RS Agrawal Math. इससे पहले हम 1 से 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. चैप्टर 1 से लेकर जितने भी सारे चैप्टर हो चुके हैं उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 21 इज इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कास्ट आयरन वेट 21 ग्राम. फाइंड द वेट ऑफ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर. बोर से मतलब चौड़ाई, सूरा खोखला जो होता है ना, यानी कि होलो पाइप, पाइप होलो ही होता है. तो इसकी जो डायमीटर दे रखा है एक तरीके से डायमीटर है ना, चौड़ाई, विद बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर. उसकी थिकनेस दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर. चलिए करते हैं. तो चलिए यहां हमें दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है 21 ग्राम. तो लिखो वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कास्ट आयरन और ये हमें रखा है 21 ग्राम. फाइंड द वेट ऑफ द कास्ट आयरन पाइप. हमें उस वेट पाइप का वेट निकालना है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर. तो लेंथ ऑफ पाइप वन मीटर या सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं. अच्छे से जानते हैं आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर. यानी कि ये है, ये पाइप है, इसकी बोर चौड़ाई और ये एक हॉलो पाइप है, इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर है ना, और ये दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर. ये क्या है, डायमीटर. तो आप एक तरीके से इनर डायमीटर लिख लो, इनर डायमीटर ऑफ पाइप इनर डायमीटर ऑफ पाइप 2R ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर. तो इनर रेडियस क्या होगी, 2 से डिवाइड कर दें. इनर रेडियस ऑफ पाइप वो होगी R, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो गए, समझ में आ गए, लिख दे डायरेक्ट. अब देखो यहां से यहां तक इनर रेडियस और ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर थिकनेस. तो आउटर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस. तो आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ पाइप, आउटर रेडियस हम कैपिटल आर से डिपेंड करते हैं, इनर रेडियस प्लस थिकनेस. थिकनेस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये कितना हो गया, 1.5 प्लस 1 हो गया 2.5 सेंटीमीटर. हमें इनर रेडियस भी मालूम है, आउटर रेडियस भी मालूम है, लेंथ ऑफ पाइप यानी कि जो हाइट होती है फॉर्मूले में वो भी मालूम है. एच की जगह लग जाएगी 100. तो वॉल्यूम निकाल लो किसका, आयरन का. तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ आयरन है ना, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पाइप क्या होगी, क्या था यहां, आयरन ना, कास्ट आयरन. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन, ओनली आयरन लिख देना. ये फॉर्मूला होता है पाई हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. एच से मतलब यहां पाइप है तो लेंथ लगेगी. पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही लगा देते हैं. आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर क्या है, 2.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 1.5 का स्क्वायर इंटू 100. तो ये कितना हो गया, 22/7, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 25 का स्क्वायर 625, 2 प्लस कर लग जाएगा, 1.5 का हो गया 2.25 इंटू 100. तो 22/7 पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन, बस ही देख लेता हूँ मैं, 21 में नहीं गिवन है. इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचा इंटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहां पर हमें वॉल्यूम नहीं पूछा इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, यहां पूछा है वेट, जबकि हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है, 21 ग्राम. मेरा वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज 21 ग्राम और हमारे पास
आयरन का वॉल्यूम इतना आया है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वेट क्या होगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के वेट 21 ग्राम, 2 का क्या होगा 2 इंटू 21, तो इतने का क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें 21 में, तो वेट ऑफ आयरन पाइप वन क्यूबिक सेंटीमीटर का 21 ग्राम, 21 से मल्टीप्ल कर दे इसमें, 22/7 into 4 into 100, और ये आ जाएगा ग्राम में, 7 से ये 3 बार आपका कैंसिल हो गया, ओके देखो अब मैं मल्टीपल करूं, तो 4 3 12 12 का मल्टीपल 22 में ग्राम, 12 2 24 कैरी 2, 12 2 24 और 2 26 और ये 2 0, इतने ग्राम, और ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाई 1000 जानते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, या आप दिखा दो डिवाइडेड बाई 1000, तो ये चेंज हो गया किलोग्राम में, 1 2 3 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 26.4 केजी वेट हो गया आयरन पाइप का, वेट ऑफ आयरन पाइप विल बी 26.4 केजी, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन 22 इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, इज मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 10.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 25 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 5 mm से मतलब मिलीमीटर एवरी वेयर, चार तरफ से उसकी थिकनेस सेम है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, सेम ऊपर की तरह है, वॉल्यूम निकालना है बस, यानी कि होलो सिलेंडर की प्रॉब्लम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, सब कुछ दे रखी है, सीधे सीधे निकलाएगा, इंटरनल देखो ये दे रखी है, द इंटरनल डायमीटर 10.4, तो रेडियस कितनी जाएगी, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.2, तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, अभी निकाली थी ऊपर, थिकनेस को ऐड कर देते हैं, बस क्या ध्यान रखना है, या थिकनेस mm में मिलीमीटर में दे रखी है, तो पहले हम उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.8 आ जाएगी, तो थिकनेस को ऐड कर देंगे इंटरनल रेडियस में, तो आउटर रेडियस हो जाएगी, और हाइट की जगह क्या लगेगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह 25 हो जाएगा, सो इसका वॉल्यूम निकलाएगा, चलिए करते हैं, तो सीधे सीधे लिखो इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये 2R से रिप्रेजेंट करेंगे ना, कितना दे रखा है 22, कहां चला गया भाई, 10.4 सेंटीमीटर, देखो यार एक शब्द यूज कर रहा था ना कि बोथ एंड से ओपन है, वॉल्यूम में हमें बोथ एंड चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क कब पड़ता है, जब टी एस निकालने हो, क्योंकि वॉल्यूम में तो यूज होता नहीं है, तो ये तो केवल घुमाने के लिए दे दिया है कि बोथ एंड से ओपन हो चाहे आप क्लोज कर लो, आंसर सेम आएगा, उससे क्योंकि यूज ही नहीं होना, तो वॉल्यूम तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, तो वो लगेगा, तो ये तो हो गई डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी, इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कैसा सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इसका हाफ कर दूं, 2 5 10, 2 2 4, तो 5.2 सेंटीमीटर होगी, अब थिकनेस लिखने, थिकनेस ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन है 8 मिलीमीटर, 8 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर, थिकनेस की क्या नीड है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेडियस चाहिए, और एक्सटर्नल रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इससे अब एक्सटर्नल रेडियस निकलेगी इस सिलेंडर की, एक्सटर्नल रेडियस स्मॉल आर लगाना था ऑफ सिलेंडर, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्या होती है, इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, तो 5.2 प्लस 8 6.0 सेंटीमीटर आ गया, और लेंथ ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, जो हाइट की तरह यूज करेगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम, बस हो गया, अब तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो आप, वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर से मतलब होलो सिलेंडर, ये होता है पाई, मुझे लिख देना चाहिए था होलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब लेंथ जो कि 25 है। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो क्या लगाएंगे हम 22/7। कैपिटल आर 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 5.2, 5.2 का स्क्वायर इंटू एच, एच से मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर वो है देखिए 25। तो कितना हो गया देखें 22/7, 6 का स्क्वायर 36, 5.2 का स्क्वायर मैं कर ले रहा हूँ 5.2 × 5.2 तो 50 को तो 2500 और दो बार और तो 204, 2500 दो 2704 तो 27 और दो प्लस का 0.04 × 25। कुछ नहीं करा है आपको, डरने की जरूरत नहीं, मैंने 5.2 × 5.2 करा था, है ना। 5.2 जब 5.2 करोगे तो ये आ जाएगा 2704। 36 में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो, या दिखाऊं? चलो दिखाई देता हूँ, कुछ बच्चे ये भी करवा देते हैं। 36 का मतलब 36.00, 27.04, ये तो सिंपल सी बात है। 10 में से 4 लोगे 6, 9 का 9, यहाँ क्या रहेगा 5, बोरू लोगे 5 में से, हाँ सॉरी 15 में से 7 गए तो 8, समझ गए, बोरू लिए तो 10 में से 4 गए 6, तो यहाँ 10 के बजाय 9 रह गए, 9 में से 0 गए 9, यहाँ 5 रह गए तो फिर बोरू ले लिए 15 में से 7 गए 8.96। तो ये हो गया 22/7 × 8.96 × 25। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 7 से शायद ही कट जाएगा, 7 बन जाए 7 पॉइंट लगा के 1919 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 से बिल्कुल कट गया, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7 पॉइंट आ गया, कैरी 1919 तो 7 × 2 = 14 कैरी 5 × 5 = 56, 56 × 7 = 56। अब तो हमें मल्टीपल करना है, 25 का पहले मैं 22 में कर ले रहा हूँ, 25 × 2 = आपको मल्टीपल करना है, डायरेक्ट मल्टीपल करके ले सकते हो आप, 25 × 2 = 50 कैरी 5, 25 × 2 = 50 प्लस 5 55 इंटू 1.28। अब ये मैं रफ कर ले रहा हूँ, 1.28 से मैं 55 का कर दूँ, एक जीरो आगे बढ़ जाएगा डेसिमल के जाए ना, तो ये है 1.28 × 55, तो ये आ गया 7040 एक डेसिमल टू के बाद, तो 70.4, ये कुछ गलत नहीं हो गया, 550 तो ये है एक से ज़्यादा, तो 70 क्यों मिस्टेक कर दी है डेसिमल लगाने मैंने, 550 × 1.28 है डेसिमल आ गया 704। कैसे पता चली, क्योंकि 550 में 1 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 550 तो ये हो गया और ज़्यादा है, तो 550 से ज़्यादा आना चाहिए था, मैंने 70.4 लगाया जो मैंने डेसिमल मिस्टेक कर दी थी। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 704 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन 23 इज, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज का मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है ना, ऊपर जैसे क्वेश्चन का था ओपन लिखा हुआ था, ये दोनों एंड से बंद होगा, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सी, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो सिंपल सा हो गया, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बस टोटल सरफेस एरिया 2πRh + r, r भी मालूम है एच भी मालूम है, बस सीधा 2 हमें TSA निकाल लो, वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सिलेंडर को बनाना है तो सिलेंडर के चारों तरफ भी सीट लगती है, उसके टॉप पर भी लगेगी, उस पर बेस पर लगेगी, टोटल एरिया क्या होता है चारों तरफ का एरिया कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, यही हमारी सीट लगेगी, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो एरिया ऑफ सीट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीधे सीधा फॉर्मूले बेस पर सवाल है, चलिए करते फटाफट। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक लिख लो पहले, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये हमें दे रखी है 1 मीटर, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लें, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो जानते अच्छे से ना,
तो ये 100 सेंटीमीटर हाइट का वो सिलेंड्रिकल टैंक है। द इंटरनल नहीं बेस डायमीटर सॉरी एंड ऊपर पढ़ लिया मैंने एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ टैंक ऊपर में एन लिखना भूल गया वो होता है 2R, वो हमें दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक टू से डिवाइड कर दें 2 × 7 = 14, तो ये 70 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। पूछा क्या था इसमें, ये पूछा ये है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर टू द सेम, उसको जब हम क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाए तो कितने स्क्वायर मीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ सीट इज इक्वल, रिक्वायरमेंट ऑफ सीट क्या होगी, ये इक्वल होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh+R, वैल्यू पुट कर दें आंसर आ जाएगा 2π की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस हमने निकाली 70 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 70 सेंटीमीटर, तो इनटू 70 इन ब्रैकेट h हाइट कितनी है ये रही 100 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर, तो 100 + R रेडियस इज 70। 7 से ये 10 बार कैंसिल 2 × 22 = 44 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 × 100 + 70 = 170, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर सीट की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक, और मल्टीप्लाई करना चाहिए 0 0 17 4 = 68 कैरी 6 17 4 = 68 और 6 68 और 6 हो गए 74। तो ये आंसर आ गया इतने स्क्वायर मीटर, और अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पता है स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 100/100 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर मीटर होगा। 20 से ये 20 कैंसिल और 2 डेसिमल बन के आगे 20 है, तो 2 + 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 + क्या आ जाएगा, तो 7.48 स्क्वायर मीटर। तो हमें जो मेटल सीट जो भी यूज हो रही है कितने स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, 7.48 स्क्वायर मीटर या 74,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 23 बहुत सिंपल था, सीधा सीधा फॉर्मूला भी इस पर था, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन 24 इज अ जूस सेलर हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेजल्स ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, बड़ा हो गया था छोटा करूंगा, ठीक है कहा था द्वारा पढ़ देते हैं, अ जूस सेलर हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेजल्स ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू अ हाइट 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। उसके पास एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, कोई ग्लास है जैसे, है ना, ग्लासी है, उसमें क्या करा, जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, उसमें ऑरेंज जूस भर रहा है, उस ग्लास की कितनी हाइट तक 32 सेंटीमीटर हाइट तक भर के दे रहा है, भले ही ग्लास की हाइट कितनी उससे मतलब नहीं है, जूस जो भरा उसने 32 सेंटीमीटर तक भरा। आगे पढ़ते हैं, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, उसके पास जो बेजल्स था उसमें जूस इतना था, उसके पास उसने उस ग्लास से जो भी बेजल से जग है ग्लास है जो भी कह लो उस बेजल से उसने ग्लास भरे, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, छोटे छोटे ग्लास में भरे, जिसकी रेडियस रखे 3 सेंटीमीटर और उस ग्लास को उसने कितनी हाइट तक भरा 8 सेंटीमीटर तक, एंड सोल्ड फॉर ₹15 each, और हर ग्लास को 15 rupees में सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, तो हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाई सेलिंग द जूस कंप्लीटली, जब वो सारा का सारा जूस बेच लेगा तो उसके पास कुल कितने पैसे आए, ये फाइंड करना है, क्या बेच रहा है वो, क्या दे रखा है, कॉस्ट किसकी दे रखी है, एक ग्लास की, देखा ना, एंड सोल्ड फॉर ₹15 each, एक ग्लास को बेच रहा है 15 rupees, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करने के, उसने
कुल कितने ग्लास जूस बेचा। सपोज करो, उदाहरण के लिए समझा रहे, मान लो 10 ग्लास बेचे तो वो उसके पास कितने रुपये आएगी, एक ग्लास 15 रुपीज मिलने हैं, तो 10 के 10 इंटू 15 150। तो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमें केवल एक ही चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ग्लासेस जो वो बेच रहा है। वो कैसे निकालेंगे, एक उसके बाद बड़ा बर्तन है, बेजल्स है, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर और उसमें जूस की हाइट दे रखी है 32। तो वॉल्यूम ऑफ जूस यानी कि अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ जूस निकाल सकते हो, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर जूस है। कैसे, बर्तन में भरा हुआ है सिलेंडर का, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह 32 लगेगा। तो एक तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ जूस, फिर एक ग्लास में कितना जूस आ रहा है ये निकालेंगे। तो जो ग्लास है, छोटे ग्लास जो स्मॉल ग्लास है, उसकी रेडियस दे रखी 3 सेंटीमीटर और उसमें हाइट कितनी है जूस की, कहीं लिख रही थी, कहाँ गई, अब हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भर के दे रहा है। तो एक ग्लास में कितना जूस आ रहा है ये निकाल लेंगे। तो टोटल जो जूस है यानी कि जो टोटल वॉल्यूम किसका, वेजल्स का, ऑरेंज जूस जिसमें भरा हुआ है, उसके वॉल्यूम में से डिवाइड क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, वन स्मॉल ग्लास, तो नंबर ऑफ ग्लास निकल आएगा। ओके, बात समझ आई, चलिए करते हैं। तो पहले तो रेडियस ऑफ बेजल्स लिख लो, रेडियस देखिए डायमीटर कहेंगे 24 लार्ज सिलेंड्रिकल बेजल्स ऑफ बेस, रेडियस लिखे, तो रेडियस ऑफ बेजल्स या लार्ज ग्लास लिखने की जरूरत नहीं है, खाली बेजल्स सब आगे वहां ग्लास आ जाएगा, कुछ भी लिख लो, कैपिटल मान दे रहे चलो। और ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इस बेजल्स में जो ऑरेंज जूस है उसकी हाइट की दे रखी है, हाइट ऑफ जूस कुछ भी लिख लो, है ना, या जूस फिल अप टू ऐसे भी ले सकते हो। तो मैं हाइट ऑफ जूस लिख रहा हूं, हाइट ऑफ जूस किस, कौन सा जूस था, जी यू आई आई रह गया, हाइट ऑफ जूस इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस हम निकालने, हमारे पास कुछ कितना ऑरेंज जूस है, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस, ये कैसा बेजल्स है, जिस किसी भी शेप का हो उसके इक्वल होगा, ये सिलेंड्रिकल बेजल्स दे रखा है, सिलेंड्रिकल बेजल्स का जूस होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर क्या है 15, तो 15 × 15 और हेड दे रखी है 32, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जूस है। सोच रहे हो सर पाई की वैल्यू नहीं रखी, जानकारी रखी, क्योंकि हमें इसमें डिवाइड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, वो भी सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, वहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है, और इसलिए मैंने कैलकुलेट कर, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा इसलिए इतना ही छोड़ दे रहे। अब बात आती है ग्लास की, तो रेडियस ऑफ ग्लास लिखो, जो स्मॉल ग्लास है जिसमें हम जूस भर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्मॉल ग्लास, ये आर मान ली, ये हमें गिबिन है और वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसमें जूस की हाइट कितने सेंटीमीटर का भर रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ जूस या जूस फिल इन स्मॉल ग्लास अप टू 8 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी ले सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दी, तो हाइट ऑफ जूस लिख दी मैंने इस तरह से, हाँ कि लैंग्वेज पहले वाली अच्छी है। तो हाइट ऑफ जूस अब वो इसमें 8 सेंटीमीटर तक देती है, तो एक ग्लास में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर जूस आ रहा है ये निकाल लो, है ना, जितना भी आ रहा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो नंबर ऑफ ग्लास निकलाएंगे। तो अब लिखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ जूस इन वन ग्लास, ऐसे लिख लो, या अमाउंट ऑफ जूस या क्वांटिटी ऑफ जूस कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ जूस, अमाउंट लिखने में ज्यादा अच्छा, क्वांटिटी लिखना, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ जूस इन वन ग्लास, ग्लास भी कैसा है सिलेंडर का, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस कितनी है 3, तो 3 × 3 और एच कितनी है 8। अब देखो वह सिंपल से सवाल बन गया, दूसरी तरीके से हूं, आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक जल्दी समझ जाती है, इसलिए लेता हूं 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, आपके पास 100 ml के ग्लास हैं, तो कितने लोग पी लेंगे, 2 लीटर का मतलब 2000 ml और एक ग्लास में आ रही है 100 ml, तो 100 ml का 2000 डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 20, 20 स्टूडेंट्स पी सकते हैं, 20 फ्रेंड्स आप पी सकते हैं। तो इसी तरह यहां नंबर ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, टोटल ऑरेंज जूस इतना है, एक ग्लास में इतना जूस आ रहा है, तो कुल नंबर ऑफ ग्लास क्या होंगे, टोटल जूस में से एक ग्लास में जितना जूस है उसे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड कितने बेचे गए,
टोटल वॉल्यूम जूस हमारे पास कुल कितना है, पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई जूस फिल्ड इन वन ग्लास या वॉल्यूम ऑफ जूस इन वन ग्लास, वो कितना है, पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। देखो इजिली कट गया ना, इसलिए हमने वैल्यू पुट नहीं करी थी, पाई से पाई कैंसिल, 8 बन जा 8 फोर जा 3 बन जा 3 फाइव जा 3 बन जा 3 जा 5 फाइव जा 24 फोर जा 100। तो ये पता चल गया पूरे दिन में उसने जितना भी जूस था टोटल 100 ग्लास में आएगा, उसने कि 100 ग्लास उसने बेच दिए। कितना अमाउंट होगा, एक ग्लास को बेच रहा है वो 15 रुपीज में, तो समझ में आ गया कितना ग्लास होगा, 15 से मल्टीपल कर दें। क्या पूछा, एक बार पढ़ लो, हाउ मच मनी डज ही रिसीव, कौन है, जूस सेलर, तो लिखोगे जूस सेलर रिसीव्ड, कुल कितना अमाउंट इसे रिसीव होगा, जिस सारा का सारा जो भी है जूस है उसको वो बेच रहा है ना, तो जूस सेलर रिसीव कितना, एक ग्लास के 15 टोटल बेच रहा है, 100 ग्लास मल्टीपल कर दो तो कितना आ गया, 1500 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में यहीं तक सवाल कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज के किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम रही हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।